फ्रेंड्स, अब जो दूसरा टॉपिक हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है स्वाइंग कपल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा, टैक्टिव फूड्स के बारे में डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं स्वाइंग कपल। तो देखिए, आपको यहाँ पर एक क्रैंक है, इस क्रैंक से अटैच है फर्स्ट सिलेंडर, एक दूसरी क्रैंक है, इस क्रैंक से अटैच है दूसरा सिलेंडर। अब हर एक सिलेंडर में क्या होता है, इस क्रैंक के कारण, इसके पोजिशन के कारण यहाँ पर एक अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, क्रिएट होता है। एक अनबैलेंस फोर्स क्या क्रिएट होता था, ये होता था आपका FHU1, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस फोर्स वन सिलेंडर वन के लिए और हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस फोर्स टू सिलेंडर टू के लिए। अब स्टूडेंट्स एक चीज तो आपको बताया कि दोनों क्रैंक है, ठीक है, और दोनों सिलेंडर है, तो दोनों अलग अलग कपल्स में है। दैट मीन्स इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में है। ठीक है, तो एक चीज तो आपको पता है कि जैसे कि आप जानते हैं कि बैलेंसिंग में जो अनबैलेंसिंग होती है किसी भी रेसिप्रोकेटिंग पार्ट में, तो दो चीज के कारण होती है। एक तो उसके फोर्स के कारण हो सकती है और उसके कपल्स के कारण हो सकती है। अगर हम उसको फोर्स में बैलेंस कर अगर करना होता है, तो उसके बाद में उसको हमको कपल वाइज में भी उसको क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना होता है। ठीक है, सो अब यहाँ पर चूंकि ये जो क्रैंक है, ये क्रैंक की पोजिशन एक जीरो पोजीशन पे, मीन हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, और दूसरी क्रैंक की पोजीशन पे क्या है, ये भी क्या है आपके 90 डिग्री से इंक्लाइंड है। लेकिन आपको एक चीज जरूर बताऊंगा कि ये जो कनेक्टिंग रॉड, मतलब इन जो रेसिप्रोकेटिंग होता है पिस्टन का, वो तो क्या होगा आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगा इस तरह। ठीक है, अगर क्रैंक की पोजीशन कैसे भी हो, या तो वो जीरो पे हो या 90 डिग्री पर हो, लेकिन जब इसके थ्रू इन दोनों के बीच में जब मोशन होता था, तो इस मोशन के दौरान इसमें क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। तो सिलेंडर वन में भी रेसिप्रोकेटिंग होता है और सिलेंडर टू में भी रेसिप्रोकेटिंग होता है। ठीक है, अब ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक में एंगल हम थीटा लेते हैं और एक में हम थीटा प्लस 90 क्यों करते हैं, क्योंकि ट्रेन को रन करने के लिए हमें मैक्सिमम टॉर्क की जरूरत होती है। तो इसलिए हम इसकी पोजिशन को एक क्रैंक को दूसरी क्रैंक के 90 डिग्री पर लेना पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करें स्वाइंग कपल। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इस कपल्स के कारण इन दोनों में क्या होता है, इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन में एक अनबैलेंसिंग फोर्स क्रिएट होता है। सो वो अनबैलेंसिंग फोर्स क्या करता है, पूरी तरह से पूरे सिस्टम को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। कौन से सिस्टम को, रेसिप्रोकेटिंग पार्ट के सिस्टम को। ठीक है, सो उसके लिए आपका दो कंडीशन हो सकती है। अगर मान लो आपकी हॉरिजॉन्टल फोर्स के सिलेंडर वन की वैल्यू ज्यादा है, मगर फोर्स अगर सिलेंडर वन की वैल्यू ज्यादा है, तो ये किस डायरेक्शन में टिल्ड करेगा, वो टिल्ड करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर इस कपल, अगर ये अनबैलेंस फोर्स टू है, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, टिल्ड करेगा। सो ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के कारण इसमें पूरे सिस्टम पर क्या होगा, एक अनबैलेंस एक्टिविटी होगी, उसी को बोलेंगे हम स्वाइंग कपल। ठीक है, सो अब इसकी डेफिनेशन को मैं फ्रेम करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, स्वाइंग कपल मीन्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्स, कौन से, एक सिलेंडर वन के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स और एक सिलेंडर टू के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट कैसा होगा, तो रिजल्टेंट कपल, तो मैं किसकी बात करता हूँ, कपल की। क्योंकि तो देखो, फोर्स को तो आपको बैलेंस करना ही होता है, लेकिन उसके साथ में इसमें क्या होता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पर है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पर है, दैट मीन्स कि ये इसमें क्या होगा, कपल भी एक्ट हो रहा है। अब कपल एक्ट हो रहा है मतलब इसमें कोई ना कोई डिस्टेंस तो होगी रेफरेंस प्लेन से, तो उसको भी हमें कंसिडर करना होगा। तो उस कंडीशन के दौरान इसकी जो डेफिनेशन होगी, इसको हम इस तरह फ्रेम कर सकते हैं, स्वाइंग कपल को किस तरह हम लिख सकते हैं, द रिजल्टेंट कपल विच टेंड्स टू इंजन टू स्वाई इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अलॉन्ग द वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड स्वाइंग कपल। मतलब हमने क्या कोई भी एक्सिस मान ली, इस तरह से कोई भी एक्सिस मान ली, तो उसके दौरान ये क्या करता है, या तो क्लॉकवाइज मोशन करेगा या एंटी क्लॉकवाइज मोशन करेगा। तो वो किस बेस पर करेगा कि अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हुई, किसकी, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू ज्यादा हुई हो, इस अनबैलेंस फोर्स की वैल्यू ज्यादा हुई, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्योंकि इसका भार फिर इधर की ओर झुकेगा। अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो वो इधर की ओर झुकेगा, तो इसके कारण क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और इसके कारण क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो इसके कारण क्या होगा, रिजल्टिंग कपल के कारण ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेंगे, स्वाइंग करेंगे अबाउट वर्टिकल एक्सिस, कोई भी इमेजिनरी वर्टिकल एक्सिस के थ्रू हम इसका इमेजिन करते हैं तब। सो द रिजल्टेंट कपल विच टेंड्स टू इंजन टू
टू स्वाय इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अलोंग द वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड स्वाइंग कपल। तो आप देखो जैसे ये जो मैंने आपको बताया एज इट इज, इसी तरह मैंने इसी मतलब इसी सिलेंडर के बेस पर यहाँ पर इस डायग्राम को फ्रेम किया, ठीक है। तो देख ले, देख सकते हो आप कि ये आपका हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस फोर्स वन है और एक ये हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस फोर्स टू है, इन दोनों के कारण। तो देखिए अब मैंने मान लिया कि यहां से यहां तक इन दोनों सिलेंडर के बीच का जो डिस्टेंस उसका मैंने कंसिडर किया कि ये लेंथ क्या है आपकी स्मॉल है, और मैंने एक रेफरेंस लेन ले ली, रेफरेंस लाइन ले ली, जैसे कि रेफरेंस लाइन आप इसको भी यहां से भी बोल सकते हो कि ये आपकी एक रेफरेंस लाइन हुई, ठीक है, ये रेफरेंस लाइन हुई। तो इसमें एक फोर्स क्या है आपका हॉरिजॉन्टल, मींस एक क्रैंक की पोजीशन हॉरिजॉन्टल है और इस क्रैंक की पोजीशन इसके 90 डिग्री से इंक्लाइन है दोनों कंडीशन में। तो आप देख सकते हो कि अगर मान लो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा तो ये क्या होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, दैट मीन्स कपल को शो कर रहा है, क्योंकि लेंथ को कंसिडर करेंगे तो कपल की बात होगी, क्योंकि ये टोटल लेंथ कितनी एल, अगर मैंने इसकी सेंटर लाइन मान ली इसके सेंटर में तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एल बाय टू और ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी एल बाय टू। तो इसके कारण क्या होगा एक रिजल्टेंट कपल क्रिएट होगा जिसके कारण एक अनबैलेंस फोर्स अनबैलेंस सिस्टम क्रिएट होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर यो वैल्यू है हॉरिजॉन्टल अनबैलेंसिंग फोर्स की वैल्यू पर ज्यादा है तो ये क्या करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करेगा, और अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करेगा, मतलब ये हो गया आपका फोर्स और ये डिस्टेंस। तो ये इस तरफ तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज और ये हो गया इस तरफ तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों कंडीशन आपको यहाँ पर क्लियर है, और ये है आपका लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ सिलेंडर टू और ये है लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ सिलेंडर वन। तो आप इसको किस तरह फ्रेम कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस फोर्स जो आपके लास्ट टाइम लिखा था 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों लिखा था हमने, क्योंकि थीटा मींस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, तो कॉस को थीटा कंसीडर किया था। और सिलेंडर टू की बात करते हैं तो सिलेंडर टू में क्या था आपका ये जो क्रैंक था वो 90 डिग्री से क्या है इंक्लाइंड है, तो उस कंडीशन में हमने क्या लिखा था 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 90 प्लस थीटा। सो इन फोर्स अनबैलेंस फोर्स के कारण क्या डेवलप हो रहा है आपका कपल डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा कपल होता है इसको हम सी सपेक्स एक्स एस बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्वाइंग कपल। तो स्वाइंग कपल पहले सिलेंडर के लिए बात अगर इन दोनों की बात करें तो वो स्वाइंग कपल कितना हो जाएगा एफ एच यू वन यहाँ पे देख सकते हो एफ एच यू वन मल्टीप्लाई एल बाय टू। अगर ये क्लॉक वाइज है तो इसको हमने पॉजिटिव कंसिडर किया, अगर ये एंटी क्लॉक वाइज है तो इसको हमने नेगेटिव कंसिडर किया। तो सिलेंडर अनबैलेंस फोर्स ड्यू टू फर्स्ट सिलेंडर ये हमने कंसिडर किया पॉजिटिव, और अनबैलेंस फोर्स ड्यू टू सिलेंडर टू ये हमने कंसिडर किया नेगेटिव अकॉर्डिंग टू फोर्स पोजिशन, ठीक है। तो आपका देखिए समेशन सॉरी एफ एच यू वन मल्टीप्लाई एल बाय टू, और क्योंकि ये पॉजिटिव है ठीक है क्लॉक वाइज और ये एंटी क्लॉक वाइज नेगेटिव एफ एच यू टू मल्टीप्लाई एल बाय टू। तो आपको क्या करना है सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुटअप करना है, तो एफ एच यू की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुटअप किया 1 माइनस सी एम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इंटू एल बाय टू माइनस 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस 90 प्लस थीटा। अब ये तो आपको पता ही है कि 90 प्लस थीटा क्यों, क्योंकि थीटा एंगल से दूसरा क्रैंक की पोजिशन इससे थीटा एंगल पर इस तरह पोजिशन पर है, ये हॉरिजॉन्टल और ये इससे 90 डिग्री पोजिशन, ये किस लिए मैक्सिमम टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो आपके देखो इक्वेशन किस तरह मिलेगी, अब ये जो कॉमन वैल्यू है इसको हमने यहाँ पे बाहर कर दिया 1 माइनस सी जो कि ब्रैकेट में एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाय टू और ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये इक्वेशन वन टू और इसको इक्वेशन थर्ड नाम दिया मैंने। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वापस हम वही करेंगे जो हमने करा डी बाय डी थी जी बाय डी थीटा और ये आपका स्वाइंग कपल सी एस। तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी बाय डी थीटा आपकी जो इक्वेशन एज इट इज जो हमने लिखी अभी जो बताई थी इक्वेशन ये इक्वेशन को मैंने क्या लिखा 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाय टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो इसको मैंने यहाँ पर फ्रेम कर दिया, तो 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाय टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और इक्वल टू जीरो। तो देखिए आपका ये जो टर्म्स था इसको हम कांस्टेंट ले लेंगे, तो कांस्टेंट लेके इसके जीरो के नीचे कर देंगे तो ये तो आपका जीरो हो जाएगा। तो आपके पास डी बाई डी ये वैल्यू तो क्या कांस्टेंट है जिसको हमने बाहर करके इसके रिस्पेक्ट में जीरो कर दिया,
डी बाई डी थीटा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू जीरो। अब आप देख रहे हो इसका डिफरेंशिएट करते तो कॉस का तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा और साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। तो हम इसको सेपरेट करते हैं कि माइनस साइन थीटा है और इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो इक्वल टू वन हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हुआ, वन हुआ। अब हम जानते हैं कि वन की जो वैल्यू है तो थीटा की जो वैल्यू वन है, या तो दो ही एंगल पे हो सकती है, या तो 45 डिग्री पर या 225 डिग्री पर। तो अब हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू 45 इस फाइनल इक्वेशन जो हमारी थी इस पर हम पुटअप करते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या करा, कॉस थीटा की जगह 45 और साइन थीटा की जगह 45 रखा। तो हमारे पास जो स्वाइन कपल का रिजल्ट मिला वो क्या मिला, एल बाय रूट टू और ये ब्रैकेट में 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर। और उसके बाद तो ये एक टर्म्स मिला आपको सी एस का, एल बाय रूट टू 1 माइनस सी इंटू एम आर ओमेगा स्क्वायर। और दूसरा टर्म्स अगर थीटा की वैल्यू में 225 लेता हूँ तो रिजल्ट क्या मिलता है, तो रिजल्ट जहां पे थीटा की जगह हमने 45 रखा था वहां पे हमने 225 और साइन 45 की जगह 225, तो हमको एक रिजल्ट मिला तो ये वैल्यू हमारी क्या आई, नेगेटिव आई। तो ये वैल्यू कितनी है, एल बाय रूट टू 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर। सो हम इसको स्वाइन कपल के जो इक्वेशन को इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम दैट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपका एल बाय रूट टू और इसको ब्रैकेट में 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह स्वाइन कपल के इक्वेशन को भी हमने यहाँ पे ड्राई कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका स्वाइन कपल भी समझ में आ गया है। स्वाइन कपल कैसे, द रिजल्टेंट कपल विच टेंड्स टू इंजन टू स्वाइन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो काफी इजी है, इसको याद रखने का तरीका क्या है कि आपके पास जो भी दो सिलेंडर है उसके बीच में हमने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया, उस रेफरेंस लाइन में हमने जो क्लॉकवाइज था उसको पॉजिटिव लिया और जो एंटी क्लॉकवाइज था उसको नेगेटिव लिया। अब चूंकि कपल्स के कारण इसमें अनबैलेंस फोर्स क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, तो इसके कारण क्या होता है, ये तो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टेंड करेगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टेंड करेगा। तो इसके कारण एक कपल जनरेट होगा, इसको बोल देंगे हम स्वाइन कपल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज क्लियर हो गई है, क्लियर।